जथेदार गुरदेव सिंह कोंके दे कतल मामले विच जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब वालों किए गए आदेश अनुसार कानूनी कार्रवाई करने लिए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों कानूनी माहरां दी पांच मैंबरी कमेटी का गठन किया गया है। सीनियर एडवोकेट सरदार पूर्ण सिंह हुंदल की अगवाई विच बनाई गई इस कमेटी विच पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट पुनीत कौर सेखों, जलंधर के सबका जिला अटर्नी एडवोकेट बलतेज सिंह ढिल्लों, हुशियारपुर के सबका जिला अटर्नी एडवोकेट अमरजीत सिंह धामी और श्रोमणी कमेटी मैंबर एडवोकेट भगवंत सिंह सियालका शामिल किए गए हैं। श्रोमणी कमेटी दफ्तर तो जारी किए गए बयान विच श्रोमणी कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने जानकारी सांझी की है। एडवोकेट धामी ने दस्सिया कि बीते दिनी श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह वालों जथेदार कोंके के कतल संबंधी दोषियों खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने लिए श्रोमणी कमेटी को कहा गया है। इस पर तुरंत अमल करदे एडवोकेट भगवंत सिंह सियालका और भाई गुरचरण सिंह गरेवाल को जथेदार कोंके के परिवार नाल मुलाकात करने वास्ते भेजा गया सी। हुण इस मामले संबंधी एक उच्च पद्धरी कानूनी कमेटी बनाई गई है। उन्होंने दस्सिया कि श्रोमणी कमेटी जथेदार गुरदेव सिंह कोंके के कातलों विरुद्ध पुख्ता कार्रवाई को अमल में लियावेगी। एडवोकेट धामी ने कहा कि बनाई गई एक कमेटी श्री अकाल तख्त साहिब वालों भेजी गई IPS BP तिवाड़ी वाली रिपोर्ट की मुकम्मल घोख करके कानूनी कार्रवाई करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस संबंध में कोई ढील नहीं रहन दी जाएगी और एक मिसाली कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी।